हेलो भाई, देखो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आता है, उस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में हम लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं, यानी लाइट सेक्शन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, हाँ डिस्प्ले की लाइट, कि मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलना बंद हो जाती है। कि मोबाइल फोन चलाते हैं तो पूरा फोन तो चल रहा है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं जल रही है, डिस्प्ले में रोशनी नहीं आ रही है, डिस्प्ले ब्लैक ब्लैक कलर की आ रही है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में समझ रहे हैं, डिस्प्ले में यदि लाइट की समस्या आती है, यदि डिस्प्ले लाइट से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। मतलब डिस्प्ले लाइट सेक्शन को रिपेयर करना। अब देखिए, डिस्प्ले लाइट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बार लाइट के लिए हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उसके अंदर एक आईसी यूज करी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट आईसी। क्या बोलते हैं? ये लाइट आईसी जो तुम्हारी पाई जाती है तुम्हारी 6 पिन की होती है। लाइट के लिए मोबाइल फोन में जो सप्लाई आती है यहां से जो वोल्टेज बनता है इसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वीपीएच वोल्टेज जो होते हैं ये तो हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले जैक लगा होता है। ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है ये तुम्हारा एलईडी एनोड पॉइंट होता है। हाँ, 6 पिन की लाइट आईसी यूज होती है। Thank you.
ये देखिए, ये तुम्हारे मोबाइल फोन में मैंने आपको पूरा लाइट सेक्शन बनाया है। यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है, डिस्प्ले में लाइट के लिए क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता लग जाता है। क्या लग जाता है? डिस्प्ले का पत्ता लग जाता है। डिस्प्ले के पत्ते के आगे आगे क्या होता है, डिस्प्ले अगर आप बात करेंगे तो ये तुम्हारे डिस्प्ले के लिए ऐसे, ये तुम्हारे डिस्प्ले के पत्ते के लिए क्या होता है, ऐसे तुम्हारा जुड़ा होता है। एक इसमें ए होता है, दूसरा इसमें से के होता है, फिर ये के होता है। ए का मतलब होता है प्लस, के का मतलब होता है माइनस। माइनस मतलब एक पॉइंट तुम्हारा काय का होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा पॉइंट क्या, दो पॉइंट निगेटिव होता है। अब प्लस को काम करने के लिए तुम्हारे डिस्प्ले के अंदर बल्ब लगे होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात दस बारह बल्ब लगे होते हैं। एक बल्ब समथिंग एक से डेढ़ वोल्ट का बल्ब होता है, तो 10 बल्ब को जलने के लिए कम से कम 15, 18, 20 वोल्टेज करंट चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए तब ये बल्ब जलेगा। अब इस बल्ब के लिए क्या होता है, यहाँ से पत्ता आता है, इस पत्ते से जैक लग जाता है, सप्लाई प्लस की चली जाती है, माइनस की सप्लाई माइनस पे, दोनों पे चली जाती है। अब यहाँ पे डिस्प्ले का लाइट क्या हो जाती है, जल जाती है, ये जब पत्ता यहाँ पर लगाया जाता है। यदि तुम्हारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट नहीं जलती, तो सबसे पहली बात क्या होता है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, उसे आप कैसे चेक करेंगे। अगर डिस्प्ले में कोई भी लाइट की समस्या आती है, तो पहली बात तो आप मोबाइल फोन में काम्बो ही चेंज करें। क्या करें? काम्बो चेंज करें, जिससे क्या होगा, नीचे वाला सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं जलती, अब मोबाइल फोन में सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी होता है कि डिस्प्ले में लाइट बनती कैसे है, लाइट के लिए वोल्टेज कैसे क्रिएट करे जाते हैं। हमारे फोन के अंदर होता क्या सिस्टम है कि हमारे फोन के अंदर यहाँ से चार्जिंग आईसी, क्या कौन सी आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी की वीपीएच वोल्टेज बन के आता है। ये वीपीएच वोल्टेज एक तो वोल्टेज इन पिन नंबर 6 पे तो डायरेक्ट चला जाता है, उसके बाद यही वोल्टेज यहाँ से कॉइल के माध्यम से वोल्टेज होते हुए पिन नंबर 4 पे पहुंचता है। अब इस वोल्टेज को इस मोड में इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पावर आईसी से एक हमारी लाइन आती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूएम लाइन। यहाँ से एक स्टेबल क्लॉक वोल्टेज आते हैं, स्टेबल क्लॉक का मतलब 0.8 से लेकर 1.8 वोल्टेज आते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। जब पिन नंबर 5 पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे बाइसिंग के रूप में से ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर स्विचिंग होती है, क्या होती है, आईसी स्विचिंग का काम करती है। स्विचिंग करने का मतलब तो चालू बंद चालू बंद चालू बंद, तो यहाँ पर जब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती है तो यहाँ पर एसी फ्रिक्वेंसी पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? एसी फ्रिक्वेंसी, एसी पल्सेस पैदा हो जाती है। एसी पल्सेस का मतलब होता है कि ऐसा करने से क्या होता है, जो वोल्टेज होते हैं यहाँ पर पिन नंबर 4 जो होती है, पिन नंबर 4 के साइड में जो वोल्टेज होते हैं ये 14 से 24 वोल्टेज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 14 से 24 वोल्टेज। लेकिन 14 से 24 जो वोल्टेज होते हैं वो एसी वोल्टेज होते हैं। कौन से होते हैं? यही 14 से 24 वोल्टेज तुम्हारे यहाँ पर डायोड पे जाते हैं। डायोड इसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को डीसी कर देता है। क्या काम कर देता है? एसी वोल्टेज जो आता है उस एसी वोल्टेज को क्या कर देगा? डीसी कर देगा। जब तुम्हारा एसी वोल्टेज तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 14 से 24 वोल्टेज डीसी यहाँ पर आ जाता है, वो डीसी वोल्टेज तुम्हारा कैपेसिटर में जाकर के भर जाता है।
ये कैपेसिटर जो लगा होता है 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, कितना लगा होता है, ये कैपेसिटर पर वोल्टेज भर जाता है, इसको हम लोग बूस्ट कैपेसिटर भी बोलते हैं, बूस्ट कैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 50 वोल्टेज करंट भर जाता है, 50 वोल्ट करंट भरने के बाद फिर एक तुम्हारा रेजिस्टेंस लगा होता है, 0 ओम से लेकर के 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस लगा होता है। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से सप्लाई आपकी पहुंचती है एलसीडी जैक के पिन पे। ये जो वोल्टेज होते हैं ये तुम्हारे कौन से वोल्टेज, 14 से 24 वोल्टेज होते हैं, कौन से वोल्टेज होते हैं, डीसी वोल्टेज होते हैं। हाँ, फिर यहाँ से पिन नंबर 1 से सप्लाई निकलने का रेजिस्टेंस लगा होता है, 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है, माइनस सप्लाई होती है, माइनस सप्लाई को कैथोड सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे भी वही माइनस सप्लाई होती है, कैथोड जाती है जिससे आपके डिस्प्ले में लाइट जलती है। इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में लाइट सेक्शन काम करता है। प्लस पीडब्ल्यूएम की लाइन होती है, 0.8 से लेकर के 1.8 वोल्टेज जाते हैं। ये पिन तुम्हारी स्विचिंग कराने का काम करती है। क्या काम कराने का काम करती है, स्विचिंग का नाम करती है। स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कराने का काम करती है, जिससे हमारी एसी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। अच्छा, दूसरी बात, स्विचिंग के साथ साथ ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे, जैसे मान लिया 0.8 वोल्टेज है, कितना है 0.8 वोल्टेज है, अगर इसको कर देंगे 1 वोल्टेज, इसको कर देंगे 1.2 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज, 1.4 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैसे ही हमारे मोबाइल फोन में से स्विचिंग ज्यादा होती है। जब स्विचिंग ज्यादा होती है तो यहाँ से आउटपुट ज्यादा निकलता है। जैसे अगर मान लिया कम होगा तो मान लिया 14 वोल्टेज निकलेगा, और बढ़ा देंगे तो 16 वोल्ट निकलेगा, और बढ़ा देंगे तो 18 वोल्ट निकलेगा, और बढ़ा देंगे तो 20 निकलेगा, और बढ़ा देंगे तो 24 निकलेगा। मतलब जैसे जैसे हम इसको वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारी स्विचिंग बढ़ती जाएगी। जब स्विचिंग बढ़ती जाएगी तो स्विचिंग बढ़ने से क्या रहता है कि हमारी क्या हो जाए, ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। इसी पिन के माध्यम से आप ये भी कह सकते हैं कि आपके डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है वो डिस्प्ले की ब्राइटनेस भैया क्या होती है, कंट्रोल होती है। कंट्रोल होने का मतलब होता है, ये देखिए रोशनी कम ज्यादा हो रही, तेज हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम हो गई। अब कम ज्यादा कैसे हो रही है, वोल्टेज के हिसाब से। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे वोल्टेज कम हो जाएंगे, वोल्टेज बढ़ जाएंगे ज्यादा हो जाएगी, घट जाएंगे तो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर डिस्प्ले पे वोल्टेज ज्यादा दिए जाएंगे तो लाइट तेज जलेगी, डिस्प्ले में वोल्टेज कम दिए जाएंगे जिससे लाइट क्या होगी, स्लो जलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये स्विचिंग का काम करती है। अब एक बार आप इस सर्किट को बना लीजिए, देखो यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है अगर उसमें डिस्प्ले में लाइट नहीं जल रही, अगर डिस्प्ले में लाइट जलने का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहली बात आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलते समय डिस्प्ले जैक को क्या करिए, साफ सुफ करिए, काम वो नया लगा के देखिए, मतलब स्क्रीन जो है उसको दूसरा लगा के देखिए, अगर उसमें डिस्प्ले लाइट आ रही है तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारे मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बो में दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कॉम्बो की लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है, एकदम से फ्यूज हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्प्ले लाइट आना बंद हो जाती है। तो हम लोग पहले कॉम्बो चेंज करेंगे, कॉम्बो चेंज करने के बावजूद भी समस्या से मैं फिर भी आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट नहीं जल रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बार ये देखना है ये जो तुम्हारी वीपीएस सप्लाई होती है, ये वीपीएस 3.7 सप्लाई तुम्हारे पिन नंबर 6 को जा रही कि नहीं जा रही, आपको सबसे पहली बार ये देखना है। ये पिन नंबर 6 पे जो सप्लाई जा रही है, तो पिन नंबर 6 पे सप्लाई जाने का मतलब है आपके मोबाइल फोन में लाइट सेक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा। जब इसको यहाँ से जाने के बाद ये वोल्टेज जब यहाँ पर इसको मिलेंगे, फिर यहाँ पर स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट मिलेंगे। तो सबसे पहली बार पिन नंबर 6 पे वोल्टेज चेक करना है। इसके लाइन में कई बार एक बार कॉइल भी लगा दिया जाता है, नॉर्मल कॉइल होता है उसको जम्पर मार देते हैं। जो बूस्ट कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल तुम्हारी जो लगी होती है 10 माइक्रो हेनरी की लगी होती है, क्या लगी होती है 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है। अगर ये कॉइल कल को खराब हो जाती है तो कॉइल हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉइल चेंज करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम से फिर भी नहीं सही होता, ये तो कॉइल, डायोड, ये कैपेसिटर तीनों चीजें चेंज करनी पड़ जाती हैं, जिस तीनों की वजह से ही हमारे बूस्ट अप होता है और वोल्टेज बनते हैं। अगर ये खराब हो जाएगा फिर भी नहीं सही होगा तो फिर हम लोग को पीडब्ल्यूएम की लाइन चेक करनी पड़ती है, फोन को चालू करना पड़ता है। फोन को चालू करने के बाद देखना पड़ता है कि पिन नंबर 5 पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता है कि हमारे मोबाइल फोन में स्विचिंग नहीं होगी, जो स्विचिंग नहीं होगी तो वोल्टेज नहीं बनेंगे, तो हमको पीडब्ल्यूएम लाइन का भी चेक करना पड़ता है। उसके बाद फिर भी हमारे मोबाइल फोन में वोल्टेज नहीं बन पाते तो फिर हमको लाइट आईसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लाइट आईसी 6 पिन की पाई जाती है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक बात और है कि कुछ मोबाइल फोन अब एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें लाइट आईसी चार्जिंग आईसी के अंदर मर्ज हो गई है। क्या हो गई है, मतलब लाइट नहीं, लाइट ऐसी पिन वाली होती है, उसको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसको निकाल करके साफ करके ऐसे लगा देते हैं। हाँ, इसको सीधे निकाल करके साफ करके ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, एक बात और है, अब जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उसमें लाइट ऐसी आना बंद हो गई है,
तो जब लाइट आईसी बंद हो गई तो जो चार्जिंग आईसी होती है वही लाइट आईसी का काम करती है, उसी के अंदर से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। अब देखिए वो कैसे होता है, उसका भी मैं सर्किट आपको बना देता हूँ जिससे आप उसको भी समझ लीजिए। जिसमें लाइट सेक्शन अलग से बना होता है, यहाँ पर ये तुम्हारे बूस्ट कॉइल लगी होती है, क्या लगी होती है, वीपीएच वोल्टेज इसी के अंदर बनता है, इसी को काम करने के लिए तुम्हारा चार्जिंग जैक लगा होता है। चार्जिंग जैक को यहाँ पर लाइन आ रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वीबस लाइन। ये लाइन जो होती है तुम्हारी चार्जिंग आईसी का भी काम करती है, वीपीएच वोल्टेज जनरेट करती है, प्लस लाइट आईसी जनरेट करती है। फिर ये यहाँ पर डायोड बनता है, डायोड से वोल्टेज बन जाता है, इसमें चले जाता है। नहीं वो उसके अंदर ही होती है, पीडब्ल्यूएम लाइन अंदर ही होती है, इसी के अंदर ही होती है। स्विचिंग की जरूरत तो उसमें पड़ती है जिसमें आईसी अलग से होती है, इसमें लाइट आईसी क्या होती है, इसी के अंदर इनबिल्ट होती है। आप कह सकते हैं इसके अंदर ही लाइट आईसी क्या होती है, ये इनबिल्ट होती है। एसी वोल्टेज बनेगा, एसी पल्सेस बनते हैं, लो हाई लो हाई। एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये तुम्हारा उसका लाइट सेक्शन है कि जिसमें से लाइट आईसी उपयोग नहीं होती, जिसमें लाइट आईसी नहीं होती उसमें इस तरीके का सर्किट बना होता है। बना लिया। और अब उधर से देखो, लगता है मेरा यूज कर रहा है क्या लड़का, अब मैं इसका डायग्राम से तुमको दिखाता हूँ एक बार। Thank you.
बना लिया क्या? बनाना है? बना लिया। ये देखो तुम्हारा लाइट सेक्शन है, मिल नहीं रहा। देखो इधर, ये तुम्हारी जो लगी है तुम्हारी चार्जिंग आईसी कौन के है? चार्ज है? हाँ, तो यहाँ से वीपीएच कॉइल लगी है, वीपीएच कॉइल सप्लाई आ जाती है, हैं? तो छह कहाँ लगी है? देखो तीन तीन छह, छह बारह, छह अठारह, छह तो यहाँ से सप्लाई कॉइल पे जाएगी, कॉइल के बाद सप्लाई कहाँ पे जाएगी? इसके पिन नंबर जाएगी। हाँ, पिन नंबर यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वीपीएच, सॉरी बूस्ट कॉइल लगी, बूस्ट कॉइल के माध्यम से पिन नंबर छह पे जाएगी, डायोड पे आएगी, डायोड पे वोल्टेज बूस्ट होगा, ये वोल्टेज बूस्ट होने के बाद आगे जाएगा कैपेसिटर पे जाएगा, कैपेसिटर से बाद रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस होते हुए ये चला जाएगा पिन पे। ये तुम्हारा एनोड वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है? एनोड वोल्टेज है। और उसके बाद ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लगा, ये कैथोड वोल्टेज है, माइनस वोल्टेज है, ये माइनस वोल्टेज चला जाएगा ए वन और ए टू पे चला जाएगा, के वन के टू पे चला जाएगा। ये तुम्हारी जो छह पिन की लगी है तुम्हारी लाइट आई थी, ये डायोड लगा है जो एसी को डीसी में करता है, ये तुम्हारा कैपेसिटर लगा है जिसको हम लोग बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। जी हाँ, एनोड कैथोड। देखो अधिकतर खराब होने के लिए पहले तुमको चेक करना पड़ता है, सबसे पहली बार ये देखना पड़ता है कि तुम्हारा जो वोल्टेज है वो लाइट आईसी के पिन नंबर छह पे 3.7 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 3.7 वोल्टेज नहीं आएगा तो इसके लाइन में जो कॉइल लगी होती है खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? उसके बाद फिर ये वोल्टेज आएंगे कॉइल के माध्यम से होते हुए फिर पिन नंबर चार पे जाता है। पिन नंबर चार की जो लाइन होती है वो स्विचिंग का काम करती है। क्या काम करती है? स्विचिंग काम करती है। तो पिन नंबर जब छह पे वोल्टेज आता है 3.7, तो पिन नंबर चार पे जब स्विचिंग होती है तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाता है 14 से 24 वोल्टेज। लेकिन 14 से 24 वोल्टेज कौन सा हो जाता है? एसी वोल्टेज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये तुम्हारा 14 से 24 एसी वोल्टेज होता है, डायोड लगा होता है। डायोड क्या काम करते थे? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो 14 से 24 जो एसी आता है उस 14 से 24 को क्या कर दिया जाता है? डीसी कर दिया जाता है। ये डीसी में करने के बाद ये डीसी वोल्टेज कैपेसिटर पर जाता है, कैपेसिटर से होने के बाद आगे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये रेजिस्टर से सप्लाई तुम्हारी कहाँ चली जाती है? पिन नंबर 16 पे चली जाती है। किसमें चली जाती है? पिन नंबर 16 पे चली जाती है जिससे डिस्प्ले में डिस्प्ले आती है। क्या आती है? डिस्प्ले आती है। अगर ये पिन खराब हो जाएगा तो डिस्प्ले आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये तुम्हारी जो लाइन होती है कैथोड की लाइन है, ये एसी वोल्टेज आएगा उसको डीसी में कन्वर्ट होगा, कैपेसिटर बजाएगा, कैपेसिटर के बाद रेजिस्टेंस बजाएगा, एलईडी एनोड पॉइंट होता है, ये चला जाएगा पिन नंबर 16 पे। किस पे जाएगा? पिन नंबर 16 पे।
इसको काम करने के लिए देखो, पिन नंबर 5 पे रजिस्ट्रेशन लगा, इसको बोलते हैं पीएम आउटलाइन। क्या बोलते हैं? पीएम आउटलाइन। ये देखो रजिस्ट्रेशन लगाए, लिखा पीडब्ल्यूएम। ये सप्लाई कहाँ से आती है? पावर आईसी से आती है। कहाँ से आती है? पावर आईसी से होता है, रजिस्ट्रेशन लगा, रजिस्ट्रेशन तो होता है जाती है। इसका लिखो रिपेयरिंग टेस्ट में लिखा देता हूँ। एन एफ का मतलब तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, फिजिबल कह सकते हो। इसका लिखो रिपेयरिंग टेस्ट। रिपेयरिंग टेस्ट में नंबर ही लिखो। रिपेयरिंग किस्म नंबर